नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केएन शास्त्री। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का ऑटोमेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में ऑटोमेशन मानव मार्केटर की जगह ले लेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं वीडियो में आगे। तो डिजिटल मार्केटर चिंतित हैं कि इस उद्योग में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का आगमन मानव मार्केटर की आवश्यकता को पूरी तरह से बदल देगा। AI संचालित टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कई मार्केटिंग नौकरियों में मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह ले रही है, क्योंकि वे डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, सामग्री को वैकृतिक कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर अभियान को अनुकूल कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऑटोमेशन और AI कई समय लेने वाली और दोहराव वाली गतिविधियों का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन वे मानव रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। रणनीति योजना, ब्रांड कथा और भावात्मक बुद्धिमत्ता, ये सभी अभी भी मांग में रहने वाले विशेषताएं हैं जिन्हें डिजिटल मार्केटर मेज पर लाते हैं, जिनका मुकाबला करना रोबोट के लिए असंभव है। AI मार्केटिंग को कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। जैसे जैसे AI तेजी से आम होता जा रहा है, डिजिटल मार्केटर का कार्य गायब होने के बजाय बदल सकता है। जो मार्केटर AI और अन्य तकनीकियों को अपनाते हैं, वे डेटा संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने, अभियानों को अनुकूलित करने और अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव देने में बेहतर सक्षम होंगे। कुल मिलाकर यह संभावना नहीं है कि AI का उदय मानव मार्केटर की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर देगा। इसके बजाय यह लोगों और रोबोट के बीच अधिक मानार्थ सहयोगात्मक संबंध पर जोर देगा, जो अंततः संगठनों और ग्राहकों दोनों के लिए परिणाम सुधारक करेगा। AI की दुनिया में मार्केटिंग अभी भी क्यों आवश्यक है? यह विश्वास करना सरल है कि मानव विपणन का कार्य ऐसे वातावरण में कम हो रहा है जो अधिक कंप्यूटरीकृत होते जा रहा है। हालांकि सच कहा जाए तो महान मार्केटर विधियों अभी भी व्यक्तिगत स्पर्श पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और अभियान अनुकूल करने में सक्षम है, लेकिन उसमें कल्पना, सहानुभूति, भावात्मक बुद्धिमत्ता की कमी है। जो मानव मार्केटर मेज पर लाते हैं, प्रभावी मार्केटर के लिए मानव व्यवहार और प्रेरणाओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ भावात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता को समझना आवश्यक है। इस क्षेत्र में मानव मार्केटर फलते फूलते हैं, क्योंकि वे ऐसे ब्रांड अनुभव और संदेश विकसित कर सकते हैं जो उपभोक्ताओं से जुड़ते हैं। ग्राहकों के साथ संबंध और विश्वास बनाना मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सिर्फ एक संदेश देने से कहीं आगे जाता है। मानव मार्केटिंग अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और फीडबैक पर तुरंत ध्यान देकर उनके साथ संबंध बना सकते हैं। यह व्यक्तिगत स्पर्श, वकालत और वफादारी को बढ़ावा देता है, दो गुण जो किसी भी व्यवसाय के लिए अमूल्य है। जैसे मनुष्य बाजार में जो रणनीति दृष्टिकोण पेश करता है, मशीनों के लिए उनकी नकल करना मुश्किल है। वे बाजार के रुझानों का मूल्यांकन करने, नई संभावनाओं को पहचानने और कंपनी के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने में सक्षम हैं। केवल लोग ही अपनी कंपनी की मान्यताओं और उद्देश्यों की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं, जो इसके लिए आवश्यक है, जो डेटा विश्लेषण से परे है। जब हम स्वचालन की शक्ति को उजागर करते हैं, तो डिजिटल मार्केटर के पास अवसर होते हैं। स्वचालन के परिणाम स्वरूप डिजिटल विपणन के काम करने का तरीका बदल गया है, जिससे उन्हें दक्षता बढ़ाने, अभियान प्रदर्शन में सुधार करने और बेहतर परिणाम उत्पन्न करने के लिए नए विकल्प मिले हैं। ऑटोमेशन का उपयोग करके डिजिटल मार्केटर निम्नलिखित तरीकों से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। नंबर एक, नियमित कार्य को सुव्यवस्थित करना। रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग की योजना बनाना, ईमेल भेजने जैसे समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित करना ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटर के लिए
समय खाली कर सकता है। अब वे उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनमें मानव भागीदारी की आवश्यकता होती है और जो अधिक रणनीतिक है। दूसरा है व्यक्तिकरण में वृद्धि, इंक्रीज पर्सनलाइजेशन। डिजिटल विपणन प्रत्येक व्यक्ति विशेष विशिष्ट संदेश और ऑफर भेजकर ऑटोमेशन के साथ उपभोक्ता अनुभव को निजीकृत करने के लिए डेटा का लाभ उठा सकते हैं। इसके परिणाम बेहतर होते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है। इसके अलावा बेहतर लीड जनरेट करना, डिजिटल मार्केटर जागरूकता से लेकर रूपांतर तक बिक्री फनल के हर स्तर पर संभावनाओं को खोजने और पोषित करने के लिए ऑटोमेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह लीड की क्षमता बढ़ाने में सहायक करता है जिसके रूपांतर दर और निवेश पर रिटर्न बढ़ाता है। एक अभियान को बढ़ावा दे सकते हैं, माउंटिंग ए कैंपेन। डिजिटल विपणन ऑटोमेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वास्तविक समय में अभियानों का परीक्षण एवं अनुकूल कर सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह उन्हें अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करने और अपने परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाता है। अगला है पूर्वानुमान विश्लेषण का उपयोग करना, यूजिंग प्रिडिक्ट एनालिटिक्स। डिजिटल मार्केटर ऑटोमेशन समाधानों को नियोजित कर सकते हैं जो अपने डेटा में रुझान और पैटर्न खोजने के लिए मशीन लर्निंग और पूर्वानुमान विश्लेषण का लाभ उठाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर अभियान निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। जो लोग इन अवसरों का लाभ उठाएंगे वे डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे सफल होने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य क्या है? रचनात्मक और स्वचालित यानी ऑटोमेशन को एकीकृत करना, ऑटोमेशन और रचनात्मक यानी क्रिएशन का आदर्श अनुपात खोजना भविष्य में डिजिटल मार्केटिंग की दिशा निर्धारित करेगा। ऑटोमेशन प्रक्रियाओं को अधिक सुचार और कुशलता से चला सकता है, लेकिन यह मानव ऑटोमेशन क्रिएशन सरलता अंतर्ज्ञान की जगह नहीं ले सकता। एक ओर ऑटोमेशन डिजिटल मार्केटर के लिए अभियान के प्रबंधन और स्केलेबिलिटी अनुकूलन में सहायक कर सकता है जिससे उन्हें बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी और अंतर्दृष्टि तक पहुँच मिलती है। मार्केटिंग अब रुझानों की खोज कर सकते हैं, सामग्री को अनुकूल कर सकते हैं, उपयोगकर्ता अनुभव को उन तरीकों से बेहतर बना सकते हैं जो पहले असंभव थे। एक संक्षिप्त बाजार में मौलिकता की ही ब्रांड को अलग करती है। ग्राहकों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने, मनोरंजन कथाएं तैयार करने और उनके दिमाग में बने रहने वाले अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक है। रचनात्मक पहल से लोगों का ध्यान आकर्षित करने, चर्चा पैदा करने और वफादारी को बढ़ावा देने की अधिक संभावना है। डिजिटल मार्केटर को दोनों के बीच सही संतुलन बनाने के लिए उन्हें बदलने के बजाय अपने रचनात्मक प्रयासों को पूरा करने के लिए स्वचालन का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नई अवधारणाओं और तरीकों के साथ प्रयोग करने के अलावा उन्हें अपने रचनात्मक प्रयासों को निर्देशित करने के लिए स्वचालित यानी ऑटोमेशन उपकरणों से डेटा और अंतर्दृष्टि को नियोजित करने की आवश्यकता है। अब जानिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कैसे डिजिटल मार्केटिंग का चेहरा बदल रही है, जिसमें ऑटोमेशन और उससे आगे भी शामिल है। तो जब उन तरीकों की बात आती है कि टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग का चेहरा बदल रही है, तो ऑटोमेशन केवल हिमशैल का सिरा है। यह कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में बदल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटर को डेटा का विश्लेषण करने, वास्तविक समय में अभियान को बेहतर बनाने में सक्षम बनाकर AI डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति ला रहा है। इसके अतिरिक्त चैटबॉट, नई सामग्री निर्माण और सामग्री व्यक्तिकरण सभी AI के साथ संभव है। दूसरा है वॉयस सर्च। जैसे जैसे स्मार्ट स्पीकर और वॉयस असिस्टेंट अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटर को वॉयस सर्च को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इसमें प्राकृतिक भाषा खोजों और लंबी पूंछ वाले कीवर्ड के लिए सामग्री को अनुकूल करना शामिल है। तीसरा है संबंधित वास्तविकता। डिजिटल मार्केटर के लिए व्यापक अनुभवों के माध्यम से
अपने दर्शकों के साथ बातचीत करने के नए रास्ते AR तकनीकी द्वारा खोजे जा रहे हैं। चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित वास्तविकता का उपयोग करके आभासी दौरे, खेल और चुनौतियां बनाई जा सकती हैं। अगला है ब्लॉकचेन। सुरक्षित लेन देन की अनुमति देकर और पारदर्शिता बढ़ाकर ब्लॉकचेन तकनीक डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है। परिणाम स्वरूप ग्राहक आप पर अधिक भरोसा कर सकते हैं और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो सकती हैं। अगला है बिग डेटा। जैसे जैसे डेटा अधिक प्रचुर मात्रा में और उपलब्ध हो जाता है, डिजिटल मार्केटर इसका उपयोग करके अपने प्रयासों को अनुकूल करने और अपने लक्षित दर्शकों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। बड़े डेटा का उपयोग करके भविष्य कहने वाला विश्लेषण भी बनाया जा सकता है, जिससे मार्केटर को संभावित भविष्य में रुझानों और व्यावसायिक संभावनाओं का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। डिजिटल मार्केटिंग के परिदृश्य को टेक्नोलॉजी द्वारा तेजी से नया आकार दिया जा रहा है, जिससे मार्केटर को अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने और परिणाम के नए अवसर मिल रहे हैं। जो लोग इन तकनीकी को अपनाएंगे और आगे रहेंगे, वे तेजी से बदलते डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बॉटम लाइन, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटोमेशन से डिजिटल मार्केटिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन यह निसंदेह प्रभावित करेगा कि इसे कैसे किया जाता है। ऑटोमेशन उपकरणों के उपयोग से पहले ही डिजिटल मार्केटिंग का चेहरा बदल दिया है, जिसके विज्ञापन दाताओं को अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने, अपनी सामग्री को अनुकूल करने और अपने अभियानों में सुधार करने के लिए नए रास्ते मिल गए हैं। ऑटोमेशन मार्केटर को बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, लेकिन यह मानवीय रचनात्मक अंतर्ज्ञान और भावात्मक संबंधों की जगह नहीं ले सकता। डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वॉयस सर्च संबंधित वास्तविकता, ब्लॉकचेन और बड़े डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ साथ ऑटोमेशन और रचनात्मक के बीच उचित संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। तो इससे ये लगता है कि पूरी तरह से ह्यूमन मार्केटर को ये ऑटोमेशन बदल नहीं सकता है। जय हिंद।